चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 15 तक। ठीक है, 9 से लेकर के 15 तक सेम कैटेगरी में आता है। इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा, देखते हैं कहाँ पे क्या पुट होगा और कैसे हम लोग सबसे इजी वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये सब जितने सारे क्वेश्चन हैं वो बिना फॉर्मूला के भी बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी चला जाएगा। ठीक है, लेंदी ऐसा कि एक पेज में नहीं बन के दो पेज या ढाई पेज भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे इजी वे में देखें कि सबसे इजी वे में हम लोग सिर्फ फॉर्मूला लगा के हम लोग कितना अच्छे ढंग से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 5.3 का हम लोग देखते हैं कहाँ से कहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 15 तक, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के कितना तक, 15 तक। तो सबसे पहले 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्री में ये जो वैल्यू है इसका, अगर मान लीजिए x के जगह पर कोई भी ऐसा वैल्यू पुट करते हैं तो किस फॉर्म में आता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे x के जगह पे अगर 10 पुट करते हैं, 10 थीटा। ठीक है, अगर x की जगह पर 10 थीटा पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा। हम लोग सबसे पहले पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 10 थीटा, पुट x इक्वल टू 10 थीटा, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। हम लोग को मालूम है कि 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा मीन्स इस फॉर्म में था, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाए। ठीक है, अब इसका क्या देता है, इसका देता है साइन 2 थीटा। ठीक है, इसका क्या देता है, साइन 2 थीटा। ठीक है, अब ये साइन 2 थीटा देता है तो इसके जगह पर हम लोग डायरेक्ट साइन 2 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग साइन 2 थीटा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के जगह पर साइन 2 थीटा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब यहाँ से क्या होगा, साइन इनवर्स और साइन जो है वैसे कैंसिल नहीं होता है, ओके 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये और ये दोनों हट जाएगा, साइन इनवर्स और साइन, बचेगा क्या 2 थीटा, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब हम लोग यहाँ क्या पुट किए थे, एक्स इज इक्वल टू 10 थीटा, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि यहाँ पुट करना होगा। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब क्या है, इसको हम लोग इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करना है, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, dy बाय dx इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा, डी बाय डी एक्स किसका, 10 इनवर्स x का। तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 10 इनवर्स x का होता है 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है जैसे 10 थीटा का हो गया, cot थीटा का हो गया, ठीक है सॉरी 10 इनवर्स x का हो गया, cos इनवर्स x का हो गया, sec इनवर्स x का हो गया, cos इनवर्स x का हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला सबसे पहले आप लोग डिफ्रेंशिएशन है जो है इसको याद रखिएगा, और जब डिफ्रेंशिएशन याद हो जाएगा ना उसका तो इसमें पुट करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। और हाँ, अभी तक आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जितना भी वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोग को पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन में क्या है, आप लोग इस वीडियो को बहुत आराम से देखिए। ठीक है, अगर पहली बार में आप लोगों को कोई दिक्कत हो, ठीक है, मैं बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ आप लोग को, इस तरह से आप लोग को बताने वाला कोई मिलेगा नहीं। ठीक है,
और मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के पीछे। आप लोग को अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा देखिए, ठीक है, क्योंकि मोबाइल आपके हाथ में है, ठीक है ना। तो 10th नंबर देखते हैं। 10th नंबर में क्या है, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3x माइनस एफ क्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x2, जहां दिया हुआ है क्या माइनस 1/√3 से ज़्यादा होगा, मीन्स क्या है एक्स जो है 1/√3 और -1/√3 के बीच में ही होगा, ठीक है ना। अभी हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 थीटा हम लोग पुट करते हैं अगर, ठीक है, लगभग सब में जहाँ पे इस तरह का फॉर्म आया तो 10 थीटा ही लगभग पुट होगा, ठीक है। अगर एक्स इक्वल टू 10 थीटा हम लोग पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 टेन थीटा माइनस 10³ थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेन²थीटा, ये देता है किसके बराबर में, 10³थीटा के बराबर में, ठीक है। और इसमें जितना भी फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, कम से कम उसको आप नोटबुक में, अपना नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का है, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, क्या है कि y इज इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले, पुट x इज इक्वल टू 10 थीटा, जब 10 थीटा होगा तो यहाँ से हम लोग का थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x। नाउ और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3 10 थीटा माइनस 10³ थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 10²थीटा, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स, इसका जो है फॉर्मूला क्या है, 10³थीटा। अब क्या है, 10 इनवर्स और 10 दोनों मिलकर 1 देता है, क्योंकि इनवर्स और ये है, ठीक है, कैंसिल नहीं होगा, बहुत कोई क्या करते हैं कि कैंसिल कर देते हैं, समझने के लिए सही है कि ये 10 इनवर्स और 10 जो है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, वो समझने के लिए है, लेकिन कैंसिल होता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग y इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 थीटा। अब यहाँ पे जो 3 थीटा है तो y इक्वल टू 3 थीटा की जगह पर क्या है मेरे पास वैल्यू, 10 इनवर्स x। अब क्या करेंगे हम लोग, नाउ अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 3 × 10 इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1/1+x², ठीक है। इसको आगे लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 3/1+x², ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले जाके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मैं पढ़ाऊँगा किसको, ठीक है। और जब सब्सक्राइब करते हैं, जब आप लोग देखते हैं वीडियो, तो बनाने का मनोबल भी ऊंचा हो जाता है, मीन्स हम लोग का जो मनोबल है वो ऊंचा हो जाता है। तो चलिए, सही से आ रहा है ना, क्लियर वीडियो आ रहा है ना, कभी हमको ज़्यादा गोरा कर देता है, कभी काला कर देता है यार, क्या कैमरामैन क्या हाल है, कैमरामैन हम ही है, ठीक है। 11th नंबर में चलते हैं, 11th नंबर में क्या है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x² डिवाइड बाय 1+x², जहाँ जो x है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग 10 थीटा पुट करेंगे, 10 थीटा पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए 1-10²थीटा डिवाइड बाय 1+10²थीटा इक्वल टू क्या देता है, cos 2 थीटा देता है, ठीक है।
सारे फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं, जितना मैं कम से कम जितना मैं इसमें बता रहा हूँ। अब क्या है, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। नाउ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वाई इक्वल टू और क्या हो जाएगा आगे, कॉस इनवर्स, इसका वैल्यू क्या है, कॉस टू थीटा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स और कॉस हट जाएगा, बचेगा टू थीटा। और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू थीटा की जगह पर क्या है, टेन इनवर्स, थीटा की जगह पर क्या है, टेन इनवर्स एक्स। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू इंटू टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है वाई इजक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ की एक्स जो है वो जीरो से लेकर के। ठीक है, हम लोग देखे थे क्या, यह मिटा दिए ना, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस टू थीटा। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स इसका क्या होता है, कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा। अब क्या है, कॉस टू थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन नाइन्टी माइनस टू थीटा, साइन नाइन्टी माइनस टू थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन नाइन्टी माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा। ठीक है, साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों साइन और साइन जो है वो इनवर्स है, वो हट जाएगा, साइन इनवर्स और साइन जब हट जाएगा तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस थीटा। और जब पाई बाई टू माइनस थीटा होगा तो थीटा की जगह पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाय टू माइनस थीटा की जगह पर टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू का डिफ्रेंशिएशन जीरो माइनस टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या देगा, माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, और सॉरी टू थीटा है ना, यहाँ पे टू थीटा टू टू। ठीक है, आगे चलते हैं थर्टी नंबर क्वेश्चन पे। थर्टी नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थर्टी नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टू एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, और जो x है वो कहाँ से है, माइनस वन, माइनस वन से लेकर के वन तक के बीच में, माइनस वन से लेकर के वन के बीच में है। ठीक है, कौन, x। यहाँ से जैसे आया, जैसे ऊपर में 2x देखे तो क्या होता है, टू टेन थीटा डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन टू थीटा, क्या होता है, साइन टू थीटा। हम लोग देखें हैं क्या, पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा,
थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स टू टेन थीटा, थीटा की जगह पर मतलब एक्स की जगह पर टेन थीटा करना था, टू टेन थीटा डिवाइड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, और टू टेन थीटा डिवाइड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा होता है, साइन टू थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी तरह से कॉस इनवर्स साइन टू थीटा क्या ले सकते हैं, कॉस फाइव बाय टू माइनस टू थीटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हट जाएगा तो मेरे पास बचेगा फाइव बाय टू माइनस टू थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे फाइव बाय टू माइनस टू, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू ये। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फाइव बाई टू को करेंगे तो जीरो माइनस टू इंटू टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस टू बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बहुत अच्छे तरह से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को कोई कोई ऐसा है जिनको बहुत ज़्यादा धीरे लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, क्यों देख सकते हैं भाई, क्योंकि मोबाइल आपके हाथ में, मोबाइल आपके हाथ में है। फोर्टीन नंबर चलते हैं हम लोग, फोर्टीन नंबर में क्या है, वाई इजक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस वन बाय रूट टू से लेकर के वन बाय रूट टू तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वैसे तो फॉर्म में आएगा नहीं, लेकिन एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं क्या, कि अगर मान लीजिए यहाँ पे साइन थीटा पुट करते हैं, ठीक है, एक्स के जगह पर साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट अंडर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला में पुट होगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं साइन टू थीटा, तो हम लोग पुट कर देते हैं, पुट एक्स इजक्वल टू साइन थीटा, तो वाई इजक्वल यहाँ से थीटा इजक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इजक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो वाई इजक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टू साइन थीटा रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वाई इजक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टू साइन थीटा रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो वाई इजक्वल टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा रूट अंडर और स्क्वायर कट जाएगा कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या क्या होता है, साइन टू थीटा इजक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से टू थीटा सिर्फ बचा, अब थीटा का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, टू इन टू थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू हम लोग के पास साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स एक्स सॉरी साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब हम लोग क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू इन टू इसका क्या हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का होता है डिफ्रेंशिएशन वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू डिवाइड बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ठीक है, 15 क्वेश्चन में देखते हैं। 15 नंबर में क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू sec इनवर्स वन डिवाइड बाय टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, जहाँ पे x जो है
वो जीरो और वन बाय रूट टू के बीच में, जीरो और रूट टू के बीच में, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉस थीटा पुट करते हैं, ठीक है, हम लोग के पास क्या है, वन प्लस कॉस वन, वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉस थीटा डालते हैं तो क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा, वन को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है ना। यहाँ से आ गया हम लोग का, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट एक्स इजक्वल टू कॉस थीटा, देन वाई इजक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स वन डिवाइड बाय टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। तो वाई इजक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स वन डिवाइड बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन का क्या होता है, होता है कॉस टू थीटा। अब यहाँ से सेक इनवर्स वन बाय कॉस टू थीटा को ऊपर ले जाएंगे, कॉस टू थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक, सेक टू थीटा। तो वाई इक्वल टू हम लोग के पास सेक टू थीटा आया, तो वाई इक्वल टू सेक इनवर्स और सेक खत्म हो गया, फिर यहाँ बचा क्या, टू थीटा। जब टू थीटा हुआ तो वाई इक्वल टू हम लोग के पास क्या है, यहाँ से जब थीटा निकालेंगे, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, टू इंटू कॉस इनवर्स एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू इंटू कॉस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स का होता है वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन जब कॉस इनवर्स एक्स का बात करते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो टू इंटू कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो गया, माइनस टू बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर अच्छे से समझ में आई है तो मेरा जो चैनल है ईसा पाठी, उसको जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो जाके लाइक कीजिए। धन्यवाद।